हेलो दोस्तों, मैं हूं अयन। बॉन्साई ट्रिक्स एंड लॉट मोर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, फुल्ली ऑटोमेटिक तरीके से बिना बदबू के कीड़े के बगैर कैसे कंपोस्ट बनाया जाते है उसका एक अनोखा तरीका शेयर करूंगा। और अगर आप भी कार्डबोर्ड बॉक्स से लेकर किचन वेस्ट तक का इस्तेमाल करके सबसे बढ़िया और सबसे आसान कॉम्पोस्ट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों चलिए सीखते हैं सबसे पहले कैसे कंपोस्ट बिन को तैयार करना है। ये जो नीचे का गमला आप देख रहे हैं उससे बॉटम से लेकर 2 इंच के ऊपर में आपको एक पॉइंट बना लेना है। यहाँ पर हमारा ये कल फिट होगा। ये बहुत ही सस्ता है और ₹10 में आपको आसानी से मिल जाएगा। इस टैप को मैं बॉटम से लेकर 2 इंच ऊपर फिट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इस कॉम्पोस्ट बिन से जो लिक्विड फर्टिलाइजर निकलता है वो पौधों पर डायरेक्ट अप्लाई कर देता है, जो ठीक नहीं है। बहुत सारे पौधा इस डायरेक्ट एप्लीकेशन से मर भी सकते हैं और पत्ते भी जल सकते हैं। उसके लिए ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर है उसको भी डिकम्पोज होना की जरूरत है। तो 2 इंच ऊपर फिट करने से ये लिक्विड फर्टिलाइजर को भी डिकम्पोज होने में टाइम लग जाएगा और हमें बढ़िया सा कॉम्पोस्ट ऑटोमेटिक भी मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। अगर मेरे बताया हुआ मेथड आप सेम टू सेम अप्लाई करेंगे तो इसमें से जो लिक्विड फर्टिलाइजर निकल के आएगा उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम और बहुत सारे माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होगा। ये फर्टिलाइजर से ही आपका सभी पौधे का काम चल जाएगा। कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर खरीदने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। चलिए दोस्तों अब इस ड्राम को प्रिपेयर कर लेते हैं। इस ड्राम को प्रिपेयर करने के लिए आपको बहुत सारे होल इसमें ड्रिल कर देना पड़ेगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। इन छेदों से ही लिक्विड कंपोस्ट इसमें से बाहर निकल के आएगा और हमारे कलेक्टिंग ट्रे में जमा हो जाएगा। अब चलिए कंपोस्ट बनाना स्टार्ट करने से पहले इस पूरे असेंबली को एक बार देख लेते हैं। कंपोस्ट बनाना स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट है कार्डबोर्ड बॉक्स। इस कार्डबोर्ड बॉक्स को इस्तेमाल करने से पहले इसके ऊपर जो सेलोटेप या फिर कोई भी प्लास्टिक का रैपर है उसको आपको हटा देना पड़ेगा। ये डिकम्पोस्ट नहीं होता, ये कंपोस्टिंग प्रोसेस को ख़राब कर सकता है, तो इसके लिए इसको रिमूव कर दीजिए और इस कार्डबोर्ड के बॉक्स को छोटे छोटे पीसेस में ऐसे काट कर लीजिए। कॉम्पोस्ट बनाने के लिए जो नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो होता है वो होना चाहिए 30:1। इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए आपको ब्राउन और ग्रीन चीज इस कंपोस्ट बिन में डालना ही है। दोस्तों यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएगा। पहला ऑप्शन तो है कार्डबोर्ड के बॉक्स और दूसरा ऑप्शन है कोकोपीट। आप चाहे तो कार्डबोर्ड बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए या फिर कोकोपीट और कोई भी सूखा हुआ पत्ती भी आप डाल सकते हैं। किचन वेस्ट को इस कंपोस्ट बिन में डालने से पहले आपको डालना है एक लेयर घास का। अगर आपके पास घास नहीं है तो आप कोई भी ग्रीन पत्ते यूज कर सकते हैं। अब इस कंपोस्ट बिन किचन वेस्ट डालने के लिए बिल्कुल रेडी है। दोस्तों कंपोस्ट बनाने का जो प्रोसीड्योर होता है उसका 3 स्टेज होता है। इन तीनों स्टेजों को ही मैं इस वीडियो में डिटेल्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों अगर आप मेरा सब्सक्राइबर है तो अभी तक आपको तो ये पता चल ही गया होगा कि प्याज के छिलके में कैसा कैसा गुण है। प्याज के छिलके में बहुत सारे पोटेशियम होता है, नाइट्रोजन होता है और बहुत सारे मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होता है। एक सेल नेचुरल कैल्शियम का एक सोर्स होता है, तो एक सेल आप डाल सकते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन है, अंडे नहीं खाते, तो इसमें काबुली चने या फिर 2 चम्मच मिल्क भी आप डाल सकते हैं। इसमें आप ब्राउन पेपर को यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप न्यूज़पेपर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आप भी चींटियों से परेशान हैं और आपके मिट्टी में फंगस लग जाते हैं तो इस कॉम्पोस्ट बिन में आप नीम के पत्ते भी डाल सकते हैं। इसमें चींटियां दूर रहेगा और मिट्टी में फंगस भी नहीं लगेगा। ये कॉम्पोस्ट बिन आधा भर जाने के बाद आप पिछले बैच का कॉम्पोस्ट डाल सकते हैं और पहले बार बना रहे हैं तो काउडंग मैन्योर भी डाल सकते हैं। और इसके ऊपर ऐड कर देना है गार्डन सॉइल। दोस्तों मिट्टी में बहुत सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया रहते हैं,
जो हमारे कॉम्पोस्टिंग प्रोसेस को फास्ट कर देता है और किचन वेस्ट को डिकम्पोज होने में मदद करता है। और इसके ऊपर पानी डालने से हमारा स्टेज वन समाप्त होता है और इसके बाद स्टार्ट होगा स्टेज टू। दोस्तों यहाँ पर हमारे स्टेज टू का शुरुआत हम किचन वेस्ट से करेंगे। दोस्तों केले के छिलके में बहुत सारे पोटेशियम रहता है जो प्लांट को फूल खिलने में मदद करता है, प्लांट का हेल्थ ठीक रखता है, तो हो सके तो केले का छिलके का इस्तेमाल आप जरूर कीजिए। दोस्तों आम के छिलके यानी कि मैंगो पील्स भी कॉम्पोस्टिंग के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप ये डाल रहे हैं तो आम के सीड्स बाहर निकल लीजिए। कॉम्पोस्टिंग के लिए और एक मैजिकल चीज है चाय के पत्ती, इसको हम नेचुरल एनपीके भी कहते हैं, ये बहुत बढ़िया है कॉम्पोस्टिंग के लिए। दोस्तों क्या आपको ये पता है जो पत्ते पीला पड़ जाता है और प्लांट से गिर जाते हैं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होता है, तो इसको आप कॉम्पोस्ट बिन में मस्ट डालिए। इसमें आप पाइनएप्पल के छिलके भी डाल सकते हैं, इसमें भी नाइट्रोजन होता है, थोड़ा बहुत फॉस्फोरस होता है जो फूल खिलने में मदद करते हैं। हमारे कॉम्पोस्ट बिन ऑलमोस्ट भर चुका है, तो स्टेज टू को ख़त्म करने के लिए जो जो चीज़ चाहिए उसमें सबसे पहला चीज़ है घास या फिर कोई ग्रीन लीव्स। और घास के ऊपर थोड़ा बहुत मिट्टी ऐड कर दीजिए और बहुत सारे पानी दे दीजिए। यहाँ पर हमारा स्टेज टू खत्म होता है। और दोस्तों स्टेज टू के बाद एक महीने तक इसमें आप नया किचन वेस्ट नहीं डाल सकेंगे, इसको ढककर ऐसे ही छोड़ दीजिए और एक महीना वेट कीजिए। इन द मीन टाइम आप देखिए नीचे लिक्विड कॉम्पोस्ट बनना स्टार्ट हो गया है और कुछ ही दिनों में ये भी इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो जाएगा। चलिए दोस्तों ढक्कन को उठाकर देखते हैं। एक महीने बाद आप देख सकते हैं कॉम्पोस्ट के लेयर नीचे बैठ गया है, ये लगभग आधा हो गया है। अब नजदीक से देख सकते हैं कॉम्पोस्ट बनना स्टार्ट हो गया है, इसको आप चाहते हैं तो लकड़ी के मदद से थोड़ा बहुत हिला भी सकते हैं। दोस्तों इसमें आप दोबारा से किचन वेस्ट डालना स्टार्ट कर दीजिए तब तक ये पूरा भर ना जाए। दोस्तों अब हमारा इस कॉम्पोस्टिंग का फाइनल और स्टेज थ्री भी खत्म होने को है, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिए। इसके बाद आप ना तो कोई चीज़ इस कॉम्पोस्ट बिन में डाल सकेंगे और ना तो इस कॉम्पोस्ट बिन को खोल सकेंगे, तो इसको एंड करने के लिए सबसे पहले आप एक लेयर बना दीजिए ब्राउन चीज़ का, जैसे कि कार्डबोर्ड के बॉक्स, कोकोपीट या फिर सूखा पत्ते का, और उसके ऊपर बहुत सारे घास ऐसे फैला दीजिए। घास फैला देने के बाद एक मिट्टी का लेयर बना दीजिए और उसके ऊपर बहुत सारे पानी ऐड कर दीजिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आता है हमारा ट्रिक। सबसे पहले आप डाल सकते हैं पुराने कॉम्पोस्टी या फिर बटर मिल्क यानी कि छाछ भी आप डाल सकते हैं, ये कॉम्पोस्टिंग को बहुत ही फास्ट कर देगा और आपको हाथ गंदे करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। इसको आपको ढककर ऐसे ही छोड़ देना है और कुछ मत करना है। दोस्तों 30 दिनों के बाद देखिए हमारे कॉम्पोस्ट बनकर बिल्कुल रेडी है। चलिए नज़दीक से दिखाते हैं इसको। दोस्तों अगर आप इस तरीके का इस्तेमाल करके लार्ज स्केल में कॉम्पोस्ट बनाएंगे तो आपको 3 महीने लग जाएगा पूरे तरीके से कॉम्पोस्ट बनने के लिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो 30 दिनों के कम में भी आप कॉम्पोस्ट बना सकते हैं। उसके लिए मेरे चैनल पर एक दूसरा वीडियो है, अगर आप चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। दोस्तों इसको आप 2 दिन तक धूप में सूखा लीजिए और 2 दिन बाद हमारे कॉम्पोस्ट रेडी है। इसको प्लांट के ऊपर डालने से पहले छान लेना इम्पॉर्टेंट है, तो कुछ छल्ली के मदद से ऐसे इसको सेपरेट कर लीजिए। ये कॉम्पोस्ट को आप 6 महीने तक आसानी से स्टोर कर सकेंगे और ये आपका प्लांट में बढ़िया सा रिजल्ट देगा। इस वीडियो के एंड में मैं रिजल्ट शो भी कर चुका हूँ। देखिए दोस्तों हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर यानी कि कॉम्पोस्ट टी भी रेडी है। 2 महीने बाद से हर रोज ये आपको मिलता रहेगा। इसका कलर देखिए दोस्तों, डार्क हो गया है ना, ये हमारे डीकम्पोजिशन के वजह से ही है। ये आपके प्लांट में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। इसको 100 ml 1 लीटर पानी में आपको मिलाना है और हफ्तों में एक बार आप इसको अप्लाई कीजिए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल का रेगुलर फॉलोअर है तो ये तो आप जानते ही होंगे मैं ज़्यादातर पौधे पर कॉम्पोस्ट का ही इस्तेमाल करता हूँ और कुछ कुछ केस में बहुत सारे दूसरे फर्टिलाइजर भी डालता हूँ,
तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेरा सभी फर्टिलाइजर का एक प्लेलिस्ट बनाकर मैं ऐड कर दिया हूँ, अगर आप चाहते हैं तो देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट कर बता सकते हैं, और मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब तो कीजिए। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।